15,000 करोड़ की बिल्डिंग है वैसे भी, 600 नौकर काम करते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अंबानी की बिल्डिंग में आपका तहलका भाई एंट्री करने जा रहा है कुछ ही देर के अंदर। कैसे देख रहे हो आप? कह रहे हैं उसकी कोठी है अंबानी वाले की। अंबानी वाले की तो है, लेकिन आप क्यों टेंशन ले रहे हो? भी आपका बेटा आपको 10 मिनट बाद अंदर लेके चलेगा। पिलरों पे 200 गज के मकान को खड़ा कर रखा है बस। अंबानी का बेटा खड़ा सामने, देख लो आप वो देखो। तो दोस्तों देखो, भारत की सबसे तगड़ी बिल्डिंग अंबानी साहब की बिल्डिंग आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए आप, हाई लेवल की, पूरे भारत में तहलका मचा रही है, पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रही है। 15,000 करोड़ की अंबानी की बिल्डिंग आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने है। आपको बताऊंगा यहाँ पे कितने नौकर काम करते हैं, क्या यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती है, कितनी तगड़ी यहाँ की पार्किंग है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भारत की सबसे तगड़ी बिल्डिंग अंबानी साहब की, मैं मुंबई में उस टाइम। दोस्तों यकीन नहीं होगा आपको, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा आज, ऐसी ऐसी इस बिल्डिंग के बारे में बातें बताऊंगा जो आज तक कोई पत्रकार नहीं बता पाया। पूरे भारत में तहलका मचा रही है, पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रही है। दोस्तों देखो किस तरीके से यहाँ पे लोग गाड़ियाँ रोक रोक के बिल्डिंग को देखते हैं। ये देखो यहाँ पर भी लोग गाड़ी रोक कर इस बिल्डिंग को स्पेशल देखने आए हैं। दोस्तों भारत में तहलका मचा रही है, पूरे वर्ल्ड में चर्चा में आ चुकी है। इसकी कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आज तक किसी पत्रकार ने नहीं बताई आपको। हाँ भाई, हम किस जगह खड़े हैं अभी? अभी अंबानी के घर के आगे दोस्त। अरे जगह का नाम बता यार। मुंबई। अरे मुंबई नहीं, ये जगह कौन सी है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ रुकनी शुरू हो चुकी है। शाम के टाइम यहाँ पर लोग गाड़ियाँ, शाम के टाइम यहाँ पे लोग इस बिल्डिंग को देखने आते हैं स्पेशली। ये देखो आप, ये देखो किस तरीके से वो बंदा ऊपर इशारा कर रहा है, बिल्डिंग को दिखा रहा है एक एक बात। देखो यहाँ पे लोग बैठ के बिल्डिंग को देख रहे हैं। ये देखो किस तरीके से यहाँ पर लोग आए। और देखो जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मुंबई के लोकल यहीं के? नहीं सर, दिल्ली से हूँ सर मैं। अब ये बिल्डिंग देखने आए थे आप? दिल्ली कहाँ से? मैं दिल्ली द्वारका। आप ये बिल्डिंग देखने आए थे सर? अरे नहीं, हम आए थे। अच्छा, तो बिल्डिंग देखी आपने? कुछ एक तो सवाल करूँ आपसे, बाहर आ जाओगे? अच्छा चलो ठीक है। क्या लगता है कितने 1,000 करोड़ की बिल्डिंग है ये? 15,000 करोड़ की बिल्डिंग है वैसे भी, 600 नौकर काम करते हैं इसके अंदर। अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप गए हो अंदर? सर अभी जा रहे हैं एंट्री करेंगे, आओ ले चलते हैं आपको भी। ठीक है ठीक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अंबानी की बिल्डिंग में आपका तहलका भाई एंट्री करने जा रहा है कुछ ही देर के अंदर। अभी आपको बाहर से नजारा दिखा रहा हूँ मैं। आज तक कोई भी पत्रकार ये अंबानी के घर नहीं जा चुका, अब तक कोई भी पत्रकार अंबानी के घर तक नहीं पहुंचा। गुलिया भाई अंदर एंट्री करनी है पूरे 10 मिनट बाद, जनता को लाइव दिखाएंगे एक चीज कि किस तरीके से हमारी सेटिंग है, कैसे हम तहलका मचा रहे हैं भारत के अंदर। तो आप दोस्तों देख सकते हो एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं मैं। दोस्तों 15,000 करोड़ की बिल्डिंग है मुंबई की, और यहाँ पे 600 बंदे यहाँ पे काम करते हैं। अंबानी को आपने देखना हो तो ठीक वो 7 बजे, टाइम कितना, टाइम कितना हो रहा है? 7:30। ठीक 7:45 में अंबानी जी यहाँ से निकलते हैं। टाइम कितना, टाइम दिखा। अभी देखो पूरे 10-12 मिनट बचे हैं, 7:45 में अंबानी भाई साहब बाहर निकलेंगे। अंबानी के घर पे ना नौकर लगने के लिए आपको पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा, और आप उसके लिए भी ग्रेजुएट होने चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो यहाँ पे भी काम करने। क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप इनकी ऑफिशियल साइट पे भी जाके देख सकते हो। तो दोस्तों पापा भी मेरे वहाँ तक जा रहे हैं देखने के लिए, जबकि मैं पापा को अभी अंदर एंट्री करवाऊंगा, पापा को जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर से देखने की। हाँ जी, कैसे देख रहे हो आप? ये कह रहे हैं उसकी कोठी है अंबानी वाले की। अंबानी वाले की तो है, लेकिन आप क्यों टेंशन ले रहे हो? भी आपका बेटा आपको 10 मिनट बाद अंदर लेके चलेगा। अंदर तो ले जाए, मुझे तो इसमें दिख रहा है कोई खोखा सा खड़ा है कि ये। कौन खड़ा हुआ है? 4 पिलरों पे 200 गज के मकान को खड़ा कर रखा है बस। अंबानी का बेटा खड़ा सामने, देख लो आप वो देखो। वो तो दिख रहा है, छोटे से मकान में हल्ला बज रहा है। 15,000 करोड़ का मकान है, 15,000 करोड़ का मकान है, 2 करोड़ में बन जाएगा मकान है। 2 करोड़ में मकान बन जाएगा ये? कैसे? 4 मंजिल मकान है, 100 गज का प्लाट है, और क्या है ये? अरे बाप, पीछे कुछ हो तो पता नहीं, जाना पड़ेगा देखने के लिए। 2 करोड़ का मकान है, दुनिया कह रही 15,000 करोड़ का मकान है, कैसी बात है? 15,000 करोड़ के पीछे से कोई जुगाड़ होगा फिर इसका, कोई देखने का। 1 मंजिल और डल रही है अभी तो। आपकी नजर में 2 करोड़ का मकान है पीछे? यहाँ से तो इतना ही दिख रहा है, आगे कोई जुगाड़। पापा कह रहे हैं 2 करोड़ का मकान लग रहा है मेरे को, देखिए कैसे बेइज्जती कर रहे हैं। अंकल 1500 करोड़ की बिल्डिंग है। 1500 नहीं, 15,000 करोड़ का। चलो ठीक है, सेम एक ही बात, 15,000 करोड़ की बिल्डिंग। और कुछ ऐसी बातें बताइए पापा को। अच्छा स्पेशल अंकल, इसमें ये है कि अगर आप इसको टॉप से देखोगे ना, इसके ऊपर हेलीपैड है, तो हेलीपैड से आप नीचे देखते हो आपको एक एक कमल के फूल में दिखेगी। और ये बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ है, तो 8 मैग्नीट्यूड के उस पर भी बिगली बिल्डिंग को कुछ नहीं होने वाला, जैसी है वैसी की वैसी खड़ी रहेगी। जितना मर्जी तगड़ा भूकंप आ जाए, कुछ भी आने, तो ये बिल्डिंग ऐसी खड़ी रहेगी। अच्छा, ऐसा इसमें स्पेशल क्योंकि यूएसए से इंपोर्ट करके स्पेशली कुछ वहाँ के जो मतलब यूएसए के जो वो बोलते हैं हम लोग बिल्डर। कितने नौकर काम करते हैं? फ्रंट का है। तो दोस्तों मैं आज आपको अंबानी की बिल्डिंग की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो भारत देश में आज तक कोई पत्रकार नहीं बता
पाया। ऐसी बातें जो देख के आपकी जमीन निकल जाएगी, धरती फट जाएगी, आसमान फट जाएगा दोस्तों। भूकंप आने के बाद भी जितना मर्जी तगड़ा भूकंप आ जाए, इस बिल्डिंग को आग नहीं आ सकती। हमें ऐसा क्या इसके अंदर जो भूकंप आने में कुछ नहीं हो सकता इसके अंदर। ऐसा ये है कि अंबानी जी ने स्पेशल यूएस से जो वो है बिल्डर, उनके उसमें डिजाइन करके इनको बिल्डिंग को अपना पूरा डिजाइन करवाएंगे। तो देखो दोस्तों 7:45 पे अंबानी साहब बाहर निकलेंगे, पापा की मुलाकात कराऊंगा। पापा को तो वैसे यकीन नहीं हो रहा, पापा कह रहे बेटा 2-3 करोड़ की बिल्डिंग है। पापा आप ये देखो, ढंग से देखो बिल्डिंग को, ढंग से नहीं देख पा रहे आप ना, थोड़ा इधर उधर कर रहे हो गर्दन को। और इसमें एक और स्पेशल बात ये है कि इसके फर्स्ट से लेके फिफ्थ फ्लोर तक खाली पार्किंग है, और उसके बाद फिफ्थ से लेके 8th फ्लोर तक इसमें पब वगैरह है। उसके ऊपर अंबानी जी के नौकर के लिए स्पेशल लग्जरी, उनके लिए स्पेशल अंबानी जी ने स्पेशल गाड़ी दी है, 2-3 करोड़ की गाड़ी ऊपर तक जाती है। हाँ जाती है, ऊपर 8वें माले तक जाती है। क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल पार्किंग है इसमें, और ऊपर लिफ्टों से जाती है गाड़ी। लिफ्ट से थोड़ी जाएगी पापा, लिफ्ट से गाड़ी, लिफ्ट से लिफ्ट, जो लिफ्ट कैरी कार कैरी। नहीं आपने 2 करोड़ का क्यों बताया मकान, आपने क्या मन में क्या आया? बैक साइड से ऐसे दिख रहा, फ्रंट का पता नहीं, देखने जाऊंगा अभी फ्रंट में इसके बता। आ जाओ एक बार घर के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अंबानी जी के घर में एंट्री करने जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे पूरा का पूरा मैटर कि कैसा अंदर से मकान दिखता है। आज तक कोई पत्रकार नहीं दिखा पाया एंट्री, कहाँ से वहाँ से गाड़ी चालू कर, एंट्री इधर है ही नहीं, कहाँ से नहीं है, वो 2 किलोमीटर आगे जाके है। कहाँ से एंट्री, क्या बात कर रहे हो? यहाँ से अंदर और ऊपर की तरफ सीधा एंटीलिया। एंटीलिया कहाँ लिखा हुआ है? नहीं नहीं, यहाँ से आप अंदर जाओगे राइट मार्क। नहीं नहीं, बिल्डिंग का नाम कहाँ लिखा हुआ एंटीलिया? वो गेट के बाहर लिखा, वहीं लिखा होगा ना आगे। अच्छा, अरे यार क्या ये गजब की बिल्डिंग बना दी अंबानी ने। पापा विदेशी लोग परेशान हो गए हैं कि भारत में कौन सा बंदा है, क्या करता है ये, क्या क्या पापा क्या क्या काम है इनके? पता नहीं मेरे को तो भैया, सारे देश को यही चला रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। आप भी देख लो, जनता भी देख रही है। ये लो, ये देखो अंदर से कितना अच्छा, ये देखो, ये देखो पापा, ये पहले वो साइड से देख लो, फिर अंदर से भी टूर करवाएंगे। अच्छा जी, ये अंबानी जी का टॉप व्यू ऐसा आता है। वाह जी वाह। हेलो, ओहो पापा देखो ऐसे दिखते हैं अंदर के कमरे। बेटा मेरी बात सुन, अभी अंदर से जानकारी आई मेरे पास, अंबानी भाई साहब आधा घंटा पहले निकल गए हैं, मूवी लगी ना गदर टू, गदर टू देखने गए। हाँ गदर टू देखने गए, सन्नी देओल के फैन है ना वो। अच्छा। पापा वो गदर फिल्म लगी ना, गदर लगी है वो देखने गए हैं। पता लग गया ना आपको, अभी मैसेज आ गया। तो दोस्तों अंबानी भाई साहब गदर देखने गए हैं, अगर वो होते तो अंदर की पूरी एंट्री करवाता मैं, अंदर का मैटर पूरा दिखाता, अंदर आपको एक एक चीज दिखाता मैं, अगर वो गदर फिल्म नहीं देखने जाते तो। गदर मूवी देखने गए हैं भाई साहब, और उनसे उनके पीए का मैसेज आ चुका मेरे पास, और बस यही मैटर है। वो क्या बताऊँ मैं आपको, अगर ये गदर मूवी नहीं लगती ना, ये आज मिलवाते भी हमें अंदर ही आते, और सब कुछ अंदर देख कर आते, बैंगन का भरता खा के आते, फेवरेट है उनका। क्या बात कर रहा है, ताज होटल का पूरा बैंगन का भरता खत्म कर दिया था उन्होंने खा के। ओहो जबरदस्त, तो ठीक है दोस्तों गदर मूवी भी अच्छी है भाई, उनको देखना तो बनता ही था, पूरे परिवार को लेके जा चुके हैं, तभी अंदर एंट्री नहीं कर पाऊंगा, रियली वेरी सॉरी। नेक्स्ट टाइम लेकिन मुंबई में जब भी आऊंगा, अंबानी भाई साहब की पूरी बिल्डिंग आपको अंदर से दिखाऊंगा मैं, टहल का मचाता रहूंगा, बार बार आता रहूंगा। सही है।